Hello students, in today's lectures we will discuss about the blood platelets. The biological name of blood platelets is the thrombocytes. So blood platelets का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स. द साइज ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इज अप्रोक्सीमेट थ्री टू फोर माइक्रोमीटर एंड हेंस इट इज द स्मॉलेस्ट फॉर्मेट एलिमेंट इन द ब्लड. It is the smallest format elements in the blood. It is not a true cell. It is fragment of cells. Actually, mammals में जो thrombocytes देखने को मिलते हैं वो perfect cell नहीं है. It is a fragment of cell. हमने क्या देखा था, आरबीसी जो था वो सेल था, बट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उसके अंदर न्यूक्लियस डिजनरेट हो गया, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स डिजनरेट हो गए, बट वो क्या था, सेल था. डब्ल्यूबीसी ट्रूली सेल, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स थे. एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉलोइंग इज द ट्रू सेल, उसमें आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स ऑप्शन में था. तो आंसर वहां पे क्या था, डब्ल्यूबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल है, तो ये ट्रू सेल हुए क्या, नहीं हुए, ठीक है ना. इट इज फ्रेगमेंट ऑफ सेल. अब एक्चुअली ये फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स है और इनका जो काउंट होता है नॉर्मल ब्लड के अंदर वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेट जो है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक इनका जो अमाउंट है वो देखने को मिलता है. इनका जो अमाउंट है वो है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक इनका जो है अमाउंट देखने को मिलता है, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये मान लीजिए बोन है, लॉन्ग बोन्स है बॉडी के, इनके अंदर क्या है, इनके यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, रेड बोन मैरो,
अब रेड बोन मैरो के जो सेल है उन सेल को हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरली इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल कैसे होते हैं, प्लूरोपोटेंट सेल्स होते हैं। कोई भी सेल डिवाइड होकर मोर देन वन टाइप के सेल प्रोड्यूस कर सकता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरोपोटेंट सेल बोलेंगे। और मान लीजिए कोई सेल पूरी पूरी एंटायर बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टोटिपोटेंट सेल बोलेंगे, ठीक है ना। तो बोन मैरो का जो सेल है उसके अंदर कौन सा सेल है, क्या बोला उसको हमने, स्टेम सेल। अच्छा, स्टेम सेल्स के मॉडिफिकेशन से क्या बने, जो यदि एरिथ्रोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ तो ये फर्दर डेवलप होकर क्या बनाएंगे, आरबीसी। यदि स्टेम सेल से ल्यूकोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ तो ये क्या बनाएंगे, डब्ल्यूबीसी। और यदि स्टेम सेल्स के डेवलपमेंट से मेगा कैरियोसाइट सेल्स का डिफरेंशिएशन से इसका डेवलपमेंट हुआ मेगा कैरियोसाइट्स, तो मेगा कैरियोसाइट्स जो होंगे दे विल बी डेवलप द ब्लड प्लेटलेट्स। क्या बनाएंगे, ये ब्लड प्लेटलेट्स बनाएंगे। अब एक्चुअली देखिए ये मेगा कैरियोसाइट सेल्स कैसा होता है, तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, मान लीजिए सपोज ये हमारा स्टेम सेल, जब इससे मेगा कैरियोसाइट सेल्स बनेगा तो ये सेल कुछ इस तरह का होगा, और बाद में इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाएंगे और इन फ्रेगमेंट को हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो क्या देखा हमने, स्टेम सेल्स डिफरेंशिएशन से क्या बना, मेगा कैरियोसाइट सेल्स, और मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंट्स हो गए छोटे छोटे और इन फ्रेगमेंट्स को हमने क्या बोला, इन फ्रेगमेंट्स को हमने बोला ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स, तो ये देखिए मेगा कैरियोसाइट सेल्स के फ्रेगमेंट्स हैं, तो ये ट्रू सेल हुए नहीं हुए, तो ये ट्रू सेल्स तो नहीं है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स क्या है, दीज हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। एक किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्या होगा कि जो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो प्लेटलेट्स एक्चुअली करते क्या है, तो सपोज दैट ये प्लेटलेट्स है,
अब एट अ टाइम ऑफ फ्लोटिंग ये जब एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएंगे, प्लेटलेट बस्ट हो जाएंगे और एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसे हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या रिलीज करती हैं? ये रिलीज करती हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से जानते हैं और दिस थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प इन द ब्लड क्लोटिंग। अब इसके बाद हम बात करें इसके लाइफ स्पेन के बारे में, तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 2 to 5 days के समथिंग। लाइफ स्पेन कितना होता है प्लेटलेट्स का, 2 to 5 days समथिंग, ठीक है। तो दिस इज अ लाइफ स्पेन। तो प्लेटलेट्स के बारे में इतना इंफॉर्मेशन इनफ है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।